मेहता का उल्टा चश्मा। पता नहीं कब तक इस जेल में रहना पड़ेगा। अगर यहीं सड़ते रहे ना तो अपने धंधे पानी का क्या होगा? अपना तो बहुत नुकसान हो जाएगा यार। अभी नुकसान का समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं जब समझा रहा था तभी समझ गए होते तो ये कारावास में आने की नौबत ही नहीं आती ना। हम लोग तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हुए। एक तो हमारे पैसे नहीं दिए और ऊपर से लॉकअप। तो तूने पहले फोन क्यों छीना? अरे तो और कैसे वसूलता पैसे? हाँ तो फोन छीन के वसूल लिए पैसे, हो गया हिसाब किताब बराबर। देखो हम जैसे सीधे साधे व्यापारी को पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंसा कर तुमने सही नहीं किया और तुम लोगों ने फोन छीन के ठीक किया। अरे तो दे देते पैसे, नहीं होता ये सब। अरे फिर वही बात, एक का एक पेमेंट दो पर मैं क्यों दूं? अरे जेठालाल जी माल आपकी दुकान पे गया था तो पैसा। अरे दुकान पे माल गया था, एक की एक बात कर रहे यार। क्या चिल्लम चिल्ली लगा रखा है पुलिस स्टेशन में? अच्छा लगता है क्या पुलिस स्टेशन में चिल्लम चिल्ली करना? सॉरी सॉरी पंडित साहब, अब आपको कोई नहीं चिल्लाएगा। अरे भाई शांत रहो ना भाई, चुप रहो ना। किसने किसे फंसाया, कौन किसकी वजह से फंसा, ये सब छोड़ो ना। इस वक्त जो हम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यहाँ से कैसे निकले ये सोचो। इन लोगों में एक आप ही समझदार लग रहे हैं। हाँ तो बाकी सारे लल्लू हैं। कर रहा है सोरी, ये तो देख कहाँ खड़े लोका पे। शांत है भाई, एक बार यहाँ से निकलते हैं उसके बाद बाहर जाके। सही कह रहे हो मेहता साहब, एक बार बाहर निकल जाए फिर मैं इन्हें छटाना नहीं। रुक रुक रुक, अरे निकल के देखना नहीं, एक बार बाहर निकल के आपस में शांति से बात कर लेंगे हम लोग और जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन बाहर निकलेंगे कैसे? वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हम लोग इंस्पेक्टर साहब पे बोलते हैं, भाई तुम भी व्यापारी हो, तुम भी व्यापारी हो, व्यापारियों का आपस में कुछ गलतफहमी हो गई, लेकिन हम लोगों ने आपस में दोस्तों की तरह बात कर ली और बात कर ली तो मामला हमारा सुलट गया, सॉल्व हो गया। हमारे को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमें छोड़ देंगे। छोड़ देंगे तो उसके बाद हम बाहर जाएंगे, शांति से बात कर लेंगे और मामले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। है? बोलो मंजू। ठीक है, साथ में मिलके हल निकाल लेंगे। जेठा मन सर मंजू मंजूर मंजूर, एक को तो हम लोग किस हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। पांडे साहब हाँ एक सेकंड बात सुनेंगे सर एक प्लीज। मुबारक हो चालो जी, पांडे जी हमारा केस सॉल्व हो गया। किसने किया ये केस सॉल्व? नहीं नहीं वो हम लोगों ने आपस में बात की, उन लोगों से हमारी बात हो गई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, वो झगड़ा खत्म हो गया है ना दोस्तों, झगड़ा खत्म हो गया। चुप चुप, तुम लोग आपस में केस सॉल्व कर लोगे तो पुलिस क्या करेगी? भजन पहले बीच बाजार साइलेंट जोन में मारा मारी करते हो, जब पुलिस पकड़ कर लॉकअप में डाल लेती है तो अंदर ही अंदर ही केस सॉल्व कर लेते हो। पुलिस को क्या बेवकूफ समझा है? चुपचाप अंदर रहो, कल कोर्ट डिसाइड करेगी कि तुम लोगों के साथ क्या करना है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम खामोश, टोटल साइलेंट। तो मेरा फोन है पांडे साहब, प्लीज मेरा फोन है मत उठाना। क्यों? वाइफ का फोन होगा ना? मेरे वाइफ का फोन तुम्हारे फोन पर क्यों आएगा? नहीं 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 नहीं, मैं मेरी वाइफ की बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ का फोन होगा, प्लीज मत उठाना सर, प्लीज प्लीज। यहाँ मुझे सब सिखा रहे हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फोन उठाया जाएगा। पाटिल प्लीज, पाटिल फोन को खींच कर यहाँ लाओ। नहीं नहीं सर प्लीज प्लीज सर, रेडी कौन? Nobody is listening to me. सर ने घसीट तो लाने को बोला था। पाटिल ये क्या कर रहे हो? सर आप ही ने कहा था ना फोन को घसीटे वाले आना, मैं तो आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा था। और मेरा फोन नहीं है। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? ये मैं
मेहता साहब की आवाज नहीं है। कहीं उन लोगों ने सेठ जी और बबीता जी की तरह मेहता साहब का फोन भी जबरदस्ती छीन तो नहीं लिया? हेलो हेलो, क्या हेलो हेलो कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको, नहीं तुमको। तुमको किस लिए शर्म आनी चाहिए? अरे पहले तुमने बबीता जी का मोबाइल ले लिया, फिर मेरे सेठ जी का मोबाइल ले लिया, और अब मेहता साहब का मोबाइल भी ले लिया। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी जोर जबरदस्ती बहुत बढ़ती जा रही है। अरे ऐसे तो तुम पूरे गोकुलधाम वासियों के मोबाइल ले लोगे। अरे लेकिन क्या लेकिन? देखो अभी के अभी सबके मोबाइल वापस दे दो, पानी सर के ऊपर चढ़ रहा है। अगर मेरी सटकी ना तो मैं तुम्हारी ब्रिक से ब्रिक बजा दूंगा। ब्रिक से ब्रिक बजा दूंगा मतलब? ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तो बहुत लंबी बात चल रही है, क्या लगता है कौन होगा फोन पर? मैं भी सोच रहा हूँ कौन होगा। वो मेरी ईंट से ईंट बजा देगा। तू है कौन और तू है किधर बता? अरे मैं कहीं भी हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें सही रास्ते पर ला के रहूंगा। तू मुझे सही रास्ते पर लाएगा? तू मुझे सही रास्ते पर लाएगा? तू हाँ? तू मुझे जानता मैं कौन हूँ? मैं हूँ चालू। अरे तो चालू हो या भालू, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए! चुपचाप मोबाइल वापस कर दो। अरे ये कौन है? ये तो आपके फोन से चालू जी पांडे जी की क्लास ले रहा है। मेरे सर्कल में ऐसा कोई है ही नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ कौन हो सकता है। एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर से बदतमीजी से बात करने का अंजाम जानते हो? तू है कौन और तू अभी है किधर वो बता। आते ही तुझे तेरी अक्कल ठिकाने पर लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर चालू चालू पांडे जी, सॉरी सॉरी पांडे जी सॉरी, मुझे लगा। तुझे क्या लगा और क्या नहीं लगा वो मैं नहीं जानता, तू पहले बता तू है कौन। पांडे जी मैं बाघा बोल रहा हूँ। कौन बाघा? बाघा बाघा चालू जी, पांडे जी वो मेरा आदमी हो, गड्ढा इलेक्ट्रिक में काम करता है ना मेरा आदमी बाघा बाघेश्वर। हाँ 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 पांडे जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तीन व्यापारी सेठ जी और बबीता जी का मोबाइल लेके गए, तो मुझे लगा आप उन्हीं तीन व्यापारियों में से एक हो जिसने भी मेहता साहब का फोन भी ले लिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। सॉरी पांडे जी, मैं माफी मांगता हूँ। ये आपके ज्ञान के भंडार बागेश्वर की जो क्लास ले रहे हैं चालू पांडे जी की। बदले में चालू पांडे जी हमारी क्लास ले गए। तुम लोगों को गुस्सा बहुत आता है ना? अब देखो मैं तुम्हारे गुस्से का इलाज कैसे करता हूँ। पांडे जी प्लीज माफी मांग रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं था कि फोन पे आप हो, वरना ऐसी हिम्मत मैं करता ही नहीं। प्लीज मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। तू दिल से माफी मांग रहा है? हाँ। मैंने तेरे साथ रिस्पेक्ट से बात की तो तुझे भी मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए ना। हाँ। जब पुलिस वाला आम आदमी से रिस्पेक्ट से बात करता है तो आम आदमी का भी फर्क बनता है ना कि रिस्पेक्ट से बात करे पुलिस वाले से। बराबर है, ठीक है माफ किया। थैंक यू। बोल फोन किस लिए किया था? पांडे जी मुझे मेरे सेठ जी से अर्जेंट बात करनी है। नहीं कर सकते, वो लॉकअप में। वो वहाँ कैसे पहुँचे? अरे क्या मैं न्यूज वाला लगता हूँ कि तुम्हारे सेठ जी की खबरें दूँ? जेठालाल चंपकलाल गड़ा पकड़े गए और पुलिस की हिरासत में है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुनिए सुनिए पांडे जी प्लीज मुझे मेरे सेठ जी से अर्जेंट दो मिनट के लिए बात करनी है प्लीज। सिर्फ दो मिनट जी, सिर्फ दो मिनट, एक सेकंड भी ज्यादा बात मत करना। अरे जल्दी बोल जल्दी बोल, फोन क्यों किया, टाइम जा रहा है, जल्दी बोल जल्दी बोल। सेठ जी आप लॉकअप में कैसे पहुँचे? अरे तू वो छोड़, तू जल्दी बता फोन क्यों किया तूने। सेठ जी वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर है ना? हाँ। वो मिल गया। क्या, कहाँ है वो? मेरे बगल में। तू कहाँ है? उसके
के बगल में। अरे तुम दोनों कहाँ हो? अगल बगल में। तेरी मुझे हो आप? अरे तुम दोनों कौन सी जगह पे हो? गोडाउन में। अरे वाह! सेठ जी, ये संतोष कॉन्ट्रैक्टर सामने से हमारे गोडाउन में आया। तो जल्दी एक काम कर, उसको पकड़ के अभी कभी पुलिस स्टेशन लेके आ, और ध्यान रखना, और रास्ते में से कहीं छटक ना जाए, जल्दी लेके आ उसको इधर। जी जी सेठ जी, अभी लाया। ओके, आ जल्दी आ, जल्दी आ। चलो। ये लीजिए माता साहब। अरे फोन दीजिए, मतलब फोन कर रहे आप, फोन दीजिए, ये लीजिए ये लीजिए। मुबारक हो चालू जी, पांडे जी कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। कंप्लीट साइलेंस। चालू जी, पांडे जी वो कॉन्ट्रैक्टर आ गया, मिल गया, और बाका उसको लेकर भी यहाँ आ ही रहा है। तो देखो उसके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मतलब केस तो अभी खत्म ही हो गया। तो प्लीज जरा मुझे छोड़ दीजिए, वो मोबाइल मुझे बबीता जी को सूर्यास्त के पहले पहुंचाना है, प्लीज। डेटा लाल, अभी तक कॉन्ट्रैक्टर मिला है, केस सॉल्व नहीं हुआ, और जब तक केस सॉल्व नहीं होगा मैं किसी को यहाँ से छोड़ूंगा नहीं। शपथ करो जेठालाल, कॉन्ट्रैक्टर के आते ही 2 मिनट में केस सॉल्व हो जाएगा। भगवान प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज सूर्यास्त थोड़ा लेट करना ताकि मैं बबीता जी का फोन उन तक पहुंचा सकूं, प्लीज, सिर्फ आज का दिन, हाँ प्लीज। सेठ जी, सेठ जी। हाँ बागा, इधर बागा, आप लोग इधर है। सेठ जी ये देखिए, मैं ले आया संतोष कॉन्ट्रैक्टर को। शाबाश शाबाश, दिखा दिखा, चलो पांडे जी को दिखा। इधर लाओ पांडे जी। सॉरी हाँ, वो फोन पे थोड़ा मुझसे गलती हो गई हो। हाँ इट्स ओके। ये देखिए, ये है संतोष कॉन्ट्रैक्टर। इंस्पेक्टर साहब, ये वही कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ चलो पांडे जी, ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग बिना वजह यहाँ लॉकअप में बंद है। मतलब पांडे जी आप इसे छोड़ना नहीं? कोई मुझे नहीं सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। हाँ क्या नाम बताया तुमने अपना? ओए, इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? कानून को इस तरह घूरने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, हम आपको घूर नहीं रहे हैं, हमने आपको पहले कहीं देखा है। तू ही याद करने का कोशिश कर रहे हैं कि कहां देखा है। अरे आ गया याद, अरे आप पांडे जी है ना? हाँ मैं पांडे हूँ, और तुम कौन हो? अरे हमको नहीं पहचाने? नहीं? अरे ध्यान से देखिए, पहचानिए हमें। इस वक्त मैं पहचान कौन गेम खेलने के मूड में नहीं हूँ। सीधे सीधे बताओ तुम हो कौन? पांडे, पांडे। कहाँ पांडे जी, अपना गांव के पांडे जी को भूल गए आप? अरे संतोष पांडे, आपके गांव खदुआ के, आपके तबेला में दूध लेने आया करते थे, हमारी नाक बहुत बहती थी याद है, आपके पिताजी के गमछे से पूछ के भाग जाया करते थे। याद आया? तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम था? हरिशंकर, हरिशंकर के बेटे हैं। अब याद आया, तुम इतने से थे हमारे तबेले में दूध लेने आते थे, नाक बहती रहती थी। हाँ अब पहचाना। पांडे जी आपने कभी बताया नहीं गांव में आपका तबेला है, वैसे कितनी भैंसे हैं आपके पास? अरे अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, मुझे भी आ गई है, नाक भी नहीं बह रही है।
बहुत सालों बाद मिल रहे हो। गांव जाना होता है कि नहीं? हाँ जाते हैं ना। हमारा तो गांव जाना ही बंद हो गया भाई, जब से पुलिस की ड्यूटी की है इतने व्यस्त हो गए। अच्छा एक बात बताओ संतोष, जो हमारे घर के सामने एक तालाब था वो अभी है कि नहीं, कि वो तालाब सूख गया? अरे कहाँ पांडे जी, ड्यूटी का वजह से आप गांव नहीं जा पाते समझ में आता है, पर गांव में किसी से फोन पे भी बात नहीं होती है का? नहीं फोन पर गांव वालों से बातें होती हैं, लेकिन दुनिया की यही इधर उधर की बातें होती रहती हैं, तालाब की बात ही नहीं करता कोई। एक बात बताओ अंतिम बार कब गए थे गांव? पिछले साल। चलो जा पांडे जी, सूर्यास्त। हाँ सूर्यास्त से याद आया, तुम्हें याद है हम लोग तालाब किनारे बैठ कर सूर्यास्त का आनंद लेते थे, वो सूर्यदेव की लालिमा हमारे चेहरे पर पड़ती थी, मंदिर की घंटियां बजती थी, भोलेनाथ का आशीर्वाद। बम बम भोले, बम बम भोले। नहीं नहीं चलो जी पांडे जी, मैं कह रहा था वो सूर्यास्त के पहले मुझे बबीता जी को मोबाइल पहुंचाना है। हाँ तो कहने का मतलब ये पांडे साहब, कब तो संतोष कॉन्ट्रैक्टर मिल गया है तो फिर हमें अंदर क्यों रखा, हमें बाहर निकाल दीजिए प्लीज। हे भगवान, इन लोगों को एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? क्या मुझे यहाँ कोई नहीं सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? नहीं 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 कोई जेठल, ये संतोष कॉन्ट्रैक्टर और इंस्पेक्टर पांडे तो एक ही गांव के निकल हैं। देखो अब तो इंस्पेक्टर पांडे 100% उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफदारी करेंगे। ए, क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं मैंने सुना, मैंने सुना, मेरे कान खुले, मैंने सब सुना। नहीं बोला सर। एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ पर जितने लोग हैं सब कान खोल कर सुने, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, कानून की नजरों में सब एक बराबर हैं। चाहे वो कोई गांव वाला हो या पहचान वाला, कानून सबको एक नजर से देखता है, समझे? जी 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 सर। मेरे भाई संतोष, क्या है तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है? तुम जेठालाल के पैसे लेकर भाग गए? कहाँ भाग गए, आपके सामने तो खड़े हैं। तो चलो जी पांडे जी, आपको सबूत चाहिए था ना, तब पूछो इसको कि मैंने इसको 2,00,000 रुपए रोकड़ा दिया है कि नहीं। हाँ लो, इसमें पूछना कहा है, हम कह रहे हैं हमको पेमेंट दिया है। ये देखो तो फिर तुमने सप्लायर को पैसे क्यों नहीं दिए? कहा है पांडे जी, जेठालाल सेठ ने हमको पैसे तो दिए थे पर वो कहा है लोगों का सेवा में खर्च हो गए। सेवा? कैसी सेवा? महामारी ने पूरा 1.5 साल से हालत खराब करके रखा है, आपको तो पता है। कोरोना के चक्कर में कभी कोनो कारीगर बीमार है, कभी कोनो कारीगर के घर पे कोई बीमार है, नहीं सबको संभालने में यहाँ से हुआ भागता रहा। एक कारीगर के घर में तो सभी बीमार हो गए थे, हमको जाके खुद उसका गांव में उसका इलाज कराना पड़ा। अब वही सब में पैसा खर्च हो गया तो इनको का देते हम? तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? वो कहा है कि एक तो फोन हमारा पहले से ही बिगड़ा हुआ है, दूसरा वो कारीगर के गाँव में गए रहे हम तो वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं था। अरे तो खुद फोन करके सप्लायर को कह देते। अरे कह तो देते पर इन सबको लगता है कि हम झूठा बहाना कर रहे हैं पैसा ना देने के लिए, इसलिए सोचा मिलके बता देंगे। तो अब इनके पैसे का क्या? अरे लाए हैं ना पांडे जी, ये देखिए। उधार लिए इनका पेमेंट करने के लिए। जेठालाल सेठ का कोई गलती नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। लो जी पांडे जी, पैसा मिल गया, केस खत्म। लीजिए, इसे कहते हैं खुदा पहाड़ निकली हुई। समस्या का पहाड़ खड़ा हो गया था लेकिन हवा के झोंके से सारी समस्याएं सुलझ गई, सब कुछ ठीक हो गया।
वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर जो लग रहा था भाग गया है, कहीं चला गया है, लापता है, मिल नहीं रहा, लेकिन वो आ गया पुलिस स्टेशन में और उसके आने से समस्याएं सुलझ गई क्योंकि उसने जेठालाल से माफी भी मांग ली, सप्लायर्स को अपने पैसे मिल जाएंगे ये उम्मीद भी जागृत हो गई और जेठालाल और सप्लायर्स के बीच का जो मनमुटाव था वो भी दूर हो गया, यानी कुल मिला के सारी समस्याएं सुलझ गई। नहीं 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 नहीं, सबसे बड़ी समस्या वो तो अभी बाकी है क्योंकि मैं जेठालाल और सोढ़ी हम लोग अभी इस वक्त जेल में ही हैं, इंस्पेक्टर चालू पांडे ने छोड़ा नहीं हमें और वो गुस्से में भी है, पता नहीं वो हमें छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, और अगर नहीं छोड़ा तो सबसे बड़ी समस्या भी बाकी है, जेठालाल का वो वादा जो उन्होंने बबीता जी से किया था कि उनका मोबाइल फोन वो सूर्यास्त से पहले दे देंगे, अब अगर नहीं छूटे जेल से तो कैसे देंगे, और अगर नहीं दिया तो ये वादा पूरा नहीं होगा, और अगर ये वादा पूरा नहीं हुआ तो बबीता जी अपना वादा पूरा ना कर लें कि वो जेठालाल से कभी बात नहीं करेंगे, और फिर ये बहिष्कार की तलवार जो लटक रही है सर पे, यानी कि कुल मिला के इस वक्त जेठालाल और बबीता जी के रिश्ते की जो डोर है ये इंस्पेक्टर चालू पांडे के हाथ में, लेकिन आपके हंसी की डोर आप ही के हाथ में है। अरे आप देखेंगे ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.